पॉप की ग्रुप इमरान खान ने सवाल करते हुए कहा, ओम की ग्रुप रोकना होगा तो आगे की वजह से नेशनल हेल्थ ऑफिसर अखबार को और जेरे कर दिया। इसी से हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से सील किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस बिना पर जो है इस हॉस्पिटल को सील किया। जी सर, अजी ये पहले काम कर रहे थे सर्जी नज़ीर सर्जिकल सेंटर के नाम से, इन्हें पहले भी हमने बंद किया है। ये क्वालिफाइड यहाँ पे ना कोई डॉक्टर मौजूद है, ये ऑपरेशन किए हुए मरीज़ भी यहाँ पे हैं, हॉस्पिटल बंद देखिएगा तो ये ना हेल्थ केयर कमीशन से इनका कोई रजिस्ट्रेशन है, तो इनको हम सील कर रहे हैं दोबारा। जो मरीज़ हैं अंदर उनके लिए क्या लाया मिलता है? ये हमने एम्बुलेंस बुलाई है, उसके अंदर हमने भेजा भी है मरीज़ों को, शिफ्ट कर दिया गया THQ रायवंड में। और यहाँ की जो मुकामी मीडिया ने पहले भी देखा, ये एक दफ़ा पहले भी सील हुई है और लेकिन ये दोबारा फिर जो है ये किस तरह किसके बिहाफ पे ये दोबारा? ये देखें जी, जो कानून के तहत काम होता है हम तो वो करते हैं, बाकी ये अदालत का काम है, ये हेल्थ केयर कमीशन का काम है ये फैसले करना। हम जो हमारी डोमेन में चीज़ आती है वो हम करके और भेज देते हैं, जो हमें चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पे हम इन्हें सील करते हैं। जी हमारे साथ यहाँ के रायवंड असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर साहब भी मौजूद हैं, उनका भी अस्सलाम वालेकुम। फॉल्ट होम बैठी है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाकई कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, जो इनके ऑपरेटर्स थे उनकी बुरी हालत थी और जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बिल्कुल ही ख़राब थे, करोडेड थे और बेड शीट्स पे ब्लड स्टेन्स थे। तो यहाँ पे दो पेशेंट्स ऐसे थे जिनको ऑपरेट किया गया और विदाउट एनी डॉक्टर इसको ऑपरेट किया गया, तो वो पेशेंट यहाँ मौजूद थे तो हमने उनको फौरी तौर पे एम्बुलेंसेज मंगवा के उनको THQ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और MS को भी डायरेक्शन पास कर दिया है कि इन पेशेंट्स का ख्याल रखे और फ्यूचर के अंदर भी तमाम पेशेंट्स का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। जी आपने असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर और डॉक्टर साहब की बात सुनी कि यहाँ पर जो है आवाम को वजह से और इनके जो बिल्कुल जंग आलू आशिफ रमजान रॉय नवाब शाह मोटरवे पुलिस की किया गया। घर में मजीद मोटरवे DSP नौशाद जूनियर सात हजार ने सेमिनार में इंस्पेक्टर अजीम खान जरदारी ने शिरका को रोड सेफ्टी आगाही के लिए मल्टीमीडिया पर प्रेजेंटेशन दी और बताया कि एक सर्वे के मुताबिक 12 लाख लोग रोड एक्सीडेंट का हर साल शिकार हो जाते हैं। ट्रैफिक कानून पर अमल करके रोड हादसा से बचा जा सकता है। सेक्टर कमांडर सजाद हुसैन भट्टी ने बताया कि सीट बेल्ट से इस्तेमाल करने से सालाना 2000 जिंदगियाँ महफूज बचा जा सकते हैं। पैदल रोड क्रॉसिंग करने का तरीका, कार सेफ्टी हेलमेट, तेज़ रफ्तारी और ट्रैफिक कानून के बारे में तफसील से बताया गया। सब ने प्रोग्राम को बहुत सराहा। सजाद हुसैन भट्टी ने बताया कि ट्रैफिक कानून पर अमल करने से कई किस्म के रोड हादसा से बचा जा सकता है और कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। साथ ही कैमरामैन के साथ अब्दुल फतारिंद, रायल न्यूज़, नवाब शाह। भोरेवाला थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की वलायती शराब से भरी कार में गिरफ्तार कर लिया। भोरेवाला से शबीर अफरीदी की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी के SHO अब्दुल मजीद जट ने चिचा वतनी रोड गली नंबर 14 यकूबाबाद पर छापा मारकर एक कार से 84 बोतल गैर मुल्की वलायती शराब बरामद करके दो मनशियात फरोशों अकबाल मसीह और नमान मसीह को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजमान वलायती शराब की बड़े पैमाने पर सप्लाई का धंधा करते थे। पुलिस ने डिब्बों में बंद पैक गाड़ी में छुपाई दर्जनों बोतल शराब बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शब्बीर फरीदी, रायल न्यूज़, बुरेवाला। जिला सेंट्रल कराची में इफ्तिताह साहिब जानिब एस एस पी जिला डी एस दीकर पुलिस डॉक्टर साहिब ने फरमाया कि पुलिस कंप्लेन सेंटर के क़याम से अवाम को पुलिस से मुतल्लिक शिकायत दर्ज कराने में सहूलत मिली। दूसरी जानिब कराची ने आईजीपी की दूसरी जानिब एडिशनल वुमेन एंड चाइल्ड डेस्क का दौरा भी किया और इसकी कारकर्दगी का मुलाहजा भी किया और बेहतर कारकर्दगी पर डेस्क की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डीसी लाहौर सालिहा सईद का फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा किया गया है। एसीसीटी फजल रबी, एडमिनिस्ट्रेटर लारियडा अहमद रजा भट्ट और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी डीसी लाहौर सालिहा सईद के हमरा मौजूद थे। ट्रक यूनियन और मीटी यूनियन के अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी बारे में मजीद तफसीला जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नवीद कमर की इस रिपोर्ट में। डीसी लाहौर सालिहा सईद का फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी का दौरा किया गया। एसीसीटी फजल रबी, एडमिनिस्ट्रेटर लारियडा अहमद रजा भट्ट और सेक्रेटरी मार्केटिंग कमेटी भी डीसी लाहौर सालिहा सईद के हमरा थे। ट्रक यूनियन और थे ट्रक से मौके पर तमाम मार्केटिंग LWMC के अमले की नाकस सफाई के हवाले से एक्शन लिया। डीसी लाहौर सालिहा सईद ने कहा मंडी में नीलामी के अमल की सख्त मटीरियल की जाए। कैमरामैन अब्दुल रजाक के साथ नवीद कमर, रेल न्यूज, लाहौर। DIG ट्रैफिक पंजाब रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान के कमांड पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर खानेवाल की ज़ेर निगरानी एजुकेशन सिटी ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट नईम अब्बास के साथ रसूल मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अदनान बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ खानेवाल शहर में, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खानेवाल की जानेब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक के बाद खानेवाल के वैगन स्टैंड और अड्डों पर जाकर ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से कहना है और इस आगाही वॉक का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये आगाही वॉक जनाब RPO साहब मुल्तान और जनाब DPO साहब खानेवाल उनकी खसूसी हिदायत पर ये चलाई जा रही है। इसमें हम आप पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं कि वो मेहरबानी करके हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, वो ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें। जो शहर के अंदर रेहड़ियाँ मौजूद हैं, ये किसी रोड के ऊपर रेहड़ी पार्क ना करें। उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि वो ओवर स्पीडिंग से बिल्कुल ग्रेज करें। वैगन स्टैंड ड्राइवरों को आगाह किया है कि वो कम से कम ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग करें और रक्षा ड्राइवर जब भी रक्षा पार करें तो वो रोड से साइड। जी अदनान रसूल, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं लोधरा से, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हमेरा अरशद ने कहा है कि डेंगू मच्छर की अफसाइश की रोकथाम के लिए लार्वा कुशी हदफ को तरजीह दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि लार्वा की अफसाइशी जगहों पर महकमे सेहत वहाँ की मकामी आबादी को आगाही दे और लार्वा की अफसाइश न होने दे। इसके साथ ही इलाकाई खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.in और देखते रहिए सिर्फ रॉयल न्यूज। छह सेकंड का होना चाहिए अगर